हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप प्रोडक्ट जो कम से कम प्रोडक्ट में आप कर पाओ। अक्सर हम लोग चाहते हैं कि हमारा मेकअप कम से खूबसूरत ग्लोइंग हो एंड बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट में यूज करें, जिससे कि हमको दिक्कत ना हो, गंदियाँ हो या फिर हैवी मेकअप ना करना पड़े, जिससे हम काफ़ी कंफर्टेबल रहें। तो मैं आप लोग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसी तरीके की वीडियो लेकर आ गई हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टाइलिश डिजाइनर गाउन डिजाइन एंड मेकअप वीडियो सॉरी डिजाइनर ड्रेसेस देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके इजीली आप मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हो। तो गो टू माय सेकंड चैनल और सिलाई से रिलेटेड और वीडियो देखिए। यहाँ पे आपको ब्यूटी पार्लर को से रिलेटेड और वीडियो मिलेंगी छोटी छोटी बारीकियों के साथ। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करें। मेकअप करने से पहले अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज करने के लिए मैं आज ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, ग्लो का। इसको मैंने मीशो से मंगाया था, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसके आप इजीली वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो कभी भी मेकअप स्टार्ट करेंगे तो मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। ओके, देखिए मैं बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। अगर आप भी कहीं जा रहे हो तो जितने प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज करूँगी उतने ही आप लेके जा सकते हो कहीं भी। ओके, और उसमें आपका मेकअप काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आप वेडिंग वगैरह भी जा रहे हो तो इजीली आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। सेकेंड चीज होगा वो होगा प्राइमर। प्राइमर तो आपको लेना ही लेना है अपनी डेली मेकअप में। तो प्राइमर मैं इतना सा ले रही हूँ। ओके, तो चलिए प्राइमर को अच्छे से हाथों में मेल्ट कर लूँ। प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और काला और केकी होने से बचाने के लिए। केकी क्यों हो जाता है हमारा मेकअप? क्योंकि हम लोग अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाते हैं, और ब्लेंडिंग में मेन रीज़न होता है कई बार कि हम लोगों ने विदाउट मॉइस्चराइजर विदाउट प्राइमर के हम लोग डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेकअप जो होता है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता और केकी हो जाता है। और ब्लेंडिंग के लिए एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ब्लेंडिंग के लिए आप कभी भी जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको सूखा यूज नहीं करोगे। सूखा यूज करोगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो आपके ब्यूटी ब्लेंडर में आने लग जाएगा, लेकिन आप इसको गीला कर दोगे तो अच्छे से ब्लेंड होगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि ब्यूटी ब्लेंडर को पहले अच्छे से गीला कर दीजिए। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फाउंडेशन या फिर कंसीलर। तो जो आप एक ही चीज़ से अपना मेकअप कम्प्लीट कर सकते हो, तो फाउंडेशन ऑलमोस्ट सबके पास होता है, बहुत कम क्वान्टिटी में फाउंडेशन को लेना है एंड अपने फेस पे कुछ इस तरीके से लगा लेना है। इस तरीके से फैला लिया है, अब हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करेंगे। तो ब्यूटी ब्लेंडर के लिए हम जगह लोग गीला करते हैं, तो मैंने करती हूँ इस तरीके का जो बॉटल है मेरे पार्लर में उससे ही ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से गीला करने, तो गीला होना जरूरी है। तो ये अच्छे से गीला हो चुका है, जब ये गीला हो जाता है तो अच्छे से इसका जो साइज होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि पानी इसके अंदर चला जाता है। तो आपको हल्के हल्के हाथों से टैप टैप करना है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो दिखाई थी जिसमें दोनों तरीका हम लोग करते हैं, आधे फेस पे अपना जो तो अच्छा मतलब रिजल्ट देता है उस तरीके से किया है, और आधा आधे फेस पे मैंने ऐसे ही कर दिया है, जैसे कि अक्सर हम लोग गलतियाँ करते हैं। तो डिफरेंट आप वहाँ पे वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, उसमें आपको डिफरेंट दिख जाएगा। आई वुड रिकमेंड कर दे वीडियो को देख लीजिएगा। तो फिर फाउंडेशन से ही मेरा जो डार्क का कलर है काफ़ी हद तक हाइड हो चुका है। तो फाउंडेशन अप्लाई करके आप डायरेक्ट अपने फेस पे कंसीलर लगाओ या ना लगाओ अपना, अगर आपके फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंसीलर के बिना भी अपने मेकअप को आगे कर बढ़ा सकते हो। वैसे हैवी मेकअप चाहिए तो थोड़ा सा कंसीलर यूज कर लीजिएगा, लेकिन फाउंडेशन मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ली थी। और पूरा अच्छे से कवरेज दे दिया। ये जो फाउंडेशन है ये लैक्मे 925 का है, तो लैक्मे 925 का फाउंडेशन मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया है। फिटमी का भी बहुत अच्छा है, मैक का बहुत अच्छा है, फिक्स ब्यूटी का बहुत अच्छा है। ये सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ।
जब तक अच्छे से ब्लेंड नहीं होता तब तक आपको ब्लेंड करना है। कलर करेक्टर कैसे लगाना चाहिए सब कुछ डिटेल में वीडियो है चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कलर करेक्टर कैसे लगाना चाहिए। बट आपको मैं ये एवरीडे मेकअप में बता दी, तो कलर करेक्टर वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका जो फाउंडेशन है वो आपके स्किन शेड से मैच होता हुआ होना चाहिए। लिप्स को हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार लिप्स क्या होता है हमारी स्किन से काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है, लेकिन फाउंडेशन कंसीलर वगैरह अगर आप अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेते हो तो जो आपका लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक का जो शेड होता है वो बहुत अच्छे से आ जाता है। तो इसलिए आपको लिप्स पे भी सारे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जिससे कि आप जब भी लिपस्टिक लगाओ तो उसका शेड जो है वो परफेक्ट आए, तो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे डार्क और ब्यूटी पाउडर बहुत ज़्यादा है। और मैंने सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर से भी कैसे मेकअप करना चाहिए वो भी बताया हुआ है, तो अगर आपने मूवी को नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा सा हाईलाइट हो जाता है कंसीलर लगाने से आपका फेस। जो डार्क सर्कल है वो अच्छे से हाइड हो चुका है। तरीके से आपको टैप टैप करके ब्लेंड कर लेना है। वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ थोड़ा सा भी, और थोड़ा सा भी फास्ट नहीं कर रही, ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। कम से कम प्रोडक्ट में आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। ओके, अब हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने बेस को सेट कर लेंगे। तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ये HD का है, VLCC HD का कॉम्पैक्ट पाउडर है, काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, एंड मैंने इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज किया है, तो ये ख़त्म होने वाला है, दूसरा कॉम्पैक्ट पाउडर लेके आऊँगी बहुत जल्दी। इस तरीके से ले रहे हैं, राउंड राउंड में पूरा घुमाना है। मैंने एक आईलाइनर लगाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, तो वही आईलाइनर आज फिर से लगाने वाली हूँ मैं। प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ सारी चीज़ें गर्दन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। देखा आपने, बिल्कुल नेचुरल सा मेकअप हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब आपको ब्लश लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाने हैं तो आप छोड़ सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम ब्लश का ही है, तो ब्लश में यहाँ पे यूज कर रही हूँ।
जो मेरा ब्लशर है वो मिल नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे लिपस्टिक यूज करूंगी, तो आप भी ये है ट्राई कर सकते हो। आप चाहो देखते हैं बुलेट लिपस्टिक भी ट्राई कर सकते हो। हल्के हल्के आप ब्लेंड की देखो, इजी ब्लेंड हो जाएगा। क्योंकि ये मैट लिपस्टिक है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा ब्लश का काम कर दिया। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपका ब्लश खत्म हो गया हो या फिर ब्लश मिल नहीं रहा है जल्दी जल्दी में, तब ये वाला नेक ट्राई कर सकते हो, लिपस्टिक से अप्लाई कर सकते हो ब्लश की तरह। अब हम लोग हाईलाइटर अप्लाई करेंगे। हाईलाइटर जो है वो मेरा सिक्योरिटी का है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसको यूज कर रही हूँ। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो हाईलाइटर, क्योंकि हाईलाइटर ब्लश भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी आप उस तरीके से नॉर्मल ब्रश को करोगे एंड हाईलाइटर को लोगे नोज पे अप्लाई करोगे। आई मेकअप नहीं करना है, बिल्कुल नेचुरल सा लुक लेने वाली हूँ अपने पूरे मेकअप लुक का। अब मैं आईलाइनर की जगह पे यूज करूँगी रेड कलर का लिपस्टिक। काफ़ी प्यारा लग रहा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। हम लोग पे भी इसी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो लाइनर। और इसके ऊपर आप ब्लैक मस्कारा अप्लाई कर सकते हो। मस्कारा मैंने ये 4D का लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा वाटरप्रूफ ADS का यूज मंगाया था मीशो ऐप से। आप चाहो तो आर्टिफिशियल आई लैसेज अप्लाई कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा को प्रॉपर लगाएगा क्योंकि हमने हमारी जो लिपस्टिक थी वो आई लैसेज पे लग चुकी है, तो मस्कारा ही है जो उसको वापस से ओरिजिनल ला सकता है। अब चाहो तो आप आईलाइनर को दोबारा से अप्लाई कर सकते हो और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ।
बिल्कुल पतला पतला। तरीके से लो वाटर लाइन पे लाइनर लगाने के बाद अगर आप काजल अप्लाई करते हो तो आपका जो काजल है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। अब हम लोग अपने आईब्रोज को फिल करेंगे, लाइनर अप्लाई हो चुका है। तरीके से आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद से इस वाले ब्रश से मिक्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो जो आपके आईब्रो का लुक है वो नेचुरल नहीं आएगा और अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। अब इसी तरीके से सेम दूसरे वाले आईब्रो को भी फिल कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों आईब्रो मैंने फिल कर लिए, देन लिपस्टिक लगाएंगे और जो मेकअप है वो कम्प्लीट हो जाए। लिपस्टिक लगाने के लिए आपको इस तरीके से ड्रॉप करना है, इस तरीके से करेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। कैसा लग रहा है आपको मेरा मेकअप लुक? यहाँ पे मैंने ब्लशर नहीं है तो आप इस तरीके से ब्लश अप्लाई कर सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं पता चला कि आपने लिपस्टिक से लगाया है अपना ब्लश। एंड ये कैसा लग रहा है आई मेकअप लुक? आई होप कि अच्छा लग रहा हो। इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर लगा के थोड़ा सा इसको हैवी दिखा सकते हो अगर दिखाने चाहिए। पिंक कलर का ग्लिटर मैंने हाथ से दिया है। अपने मेकअप को थोड़ा और बिल्कुल हैवी नहीं है एंड हैवी मेकअप का लुक दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है हमको आपको बताएगा। जो फाइनल लुक था वो कुछ इस तरीके से आया था। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पसंद आई हो आई मेकअप एंड ऑल मेकअप भी बहुत ही कम प्रोडक्ट में अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की अमेजिंग मेकअप टिप्स हैक आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ, ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा पाए और मुझे और भी ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियो देखें। आपको कैसा लग रहा है मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।